हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेनिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन ब्रिटेनिया में हमें 0.63% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 3474.20 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो इसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है कल स्टॉक में क्या होता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा एंड भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज में कहूंगा यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं। कई सारे स्टॉक में आज के दिन जो एकदम ही एवरेज यहाँ पे वॉल्यूम जो देखने मिल रहे हैं, मतलब बाइंग जो है बहुत ही कम हुई थी। भले ही आज के दिन मार्केट जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव, लेकिन बाइंग वॉल्यूम के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रही है। नॉर्मल यहाँ पे लोग जो है बाइंग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग यहाँ पे 20 MA, 50 MA और 200 MA के नीचे यहाँ पे जो है क्लोजिंग हमें जो जाते हुए देखने मिल रही है। बड़ा यहाँ पे जम के बाद यहाँ पे बहुत ही नीचे स्टॉक जो आ चुका है। बात करें हम RSI की, RSI जरूर 35-36 के आसपास जो आ चुका है। जरूर यहाँ पे RSI जो इंडिकेशन हमें पॉजिटिव का एक देता है, अपसाइड मोमेंट का देता है, लेकिन याद रखें RSI या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए फिलहाल यहाँ पे अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में है। अभी भी ये स्टॉक जो आपको नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है। कहाँ तक नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ तो 3400 तक फिलहाल ये जो है स्टॉक आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। वहां से जरूर एक आपको जो है एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। वापस से 3600 तक का आपको जो है यहाँ पे बाउंस बैक देखने मिल सकता है, लेकिन करंटली स्टॉक जो है 3400 तक जो मुझे यहाँ पे जाते हुए देखने मिल रहा है। बाकी यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंट देखने मिला हमें, पॉजिटिव मोमेंट देखने मिला जरूर जो हम आप सभी के लिए दोबारा से वीडियो लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा कि 20 MA 50 MA के नीचे स्टॉक जो अभी चल रहा है जो यहाँ पे नेगेटिव एक यहाँ पे इंडिकेशन देता है। बात करते हैं हम हमारे 1 आवर के चार्ट में कल के लिए। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ जो है मार्किंग्स कर लेता हूँ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की, जो यहाँ पे मुझे कुछ नया डेटा देखने मिल रहा है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट जोन तो हमारे पास कम है क्योंकि पुराना हमें जो है अभी जाना पड़ेगा, पुराने सपोर्ट जोन को देखना पड़ेगा और यहाँ पे उसको फिर मार्क करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहे तो सेम टू सेम यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है यहाँ पे अपने चार्ट में सेम टू सेम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग है वो आपको कभी भी ये स्टॉक जो उस रेंज में आते हुए देखने मिलेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है आपको टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करने में जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने मार्किंग्स तो कर ली है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देखते हैं 3474 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट की, 3470 यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 3496 का। तो याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा कल क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो याद रखें यहाँ पे आपको बिना कंफर्मेशन कैंडल के बिल्कुल भी यहाँ पे ना आप एंट्री करें, कंफर्मेशन कैंडल देखें और फिर उसके बाद ही जो यहाँ पे एंट्री करें और अपना टारगेट चाहे सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस साइड हो
उससे थोड़ा ऊपर रखे, उससे थोड़ा पहले रखे, ताकि वो इजिली अचीव हो जाए। तो यहाँ पे आपको टारगेट किस तरह से डिसाइड करना, कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखनी है, कौन से चार्ट पे देखनी है, सारे की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही है, जहाँ पे वो आपको वीडियो जो 8 से 9 मिनट के ऊपर देखने मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वहाँ पे देख ले। आपको पूरा का पूरा वहाँ पे हमने जानकारी दिया है कि यहाँ पे अगर हमारा स्टॉक नीचे गया तब हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर हमारा स्टॉक जो ऊपर गया तब भी हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, सारी की सारी बात हमने जो वहाँ पे की है। तो जरूर जो उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन जो है मैं आपको बता दूं कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट है यहाँ पे 3438 का सपोर्ट, और उसके बाद का सपोर्ट है 3411 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट आपको बता दिए, बात करते हैं दो रेजिस्टेंस जोन की। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 3509 का, और उसके बाद का जो रेजिस्टेंस जोन आता है वो आता है 3541 का। तो याद रखे यहाँ पे दो दो सपोर्ट दो दो रेजिस्टेंस जोन जो है बता दिया, कल आपको इन दोनों दो दो सपोर्ट और दो दो रेजिस्टेंस की मदद से ही जो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड लेना है और उसी हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल स्टॉक में आपको जो है जरूर पॉजिटिव, छोटा सा यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है। 3500 तक ये स्टॉक जो जाते हुए देखने मिल सकता है, नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में, लेकिन आपको ये क्लोज जो है कल के दिन देखने मिल सकता है। जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग होगी, लेकिन नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में जो आपको क्लोजिंग स्टॉक में देखने मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपने जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।